नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिस्टर जी कुमार, आपका दोस्त, आपका होस्ट। कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम आ रही है सामने कि सर, जमीन हस्तांतरण जो करें इसमें बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो कुछ व्यूवर्स मुझे इस लिंक पे एक SMS के तहत ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या किया जाए, तो मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। रजिस्ट्री वगैरह तो हो जाती है, आप पैसे खर्च करो हो जाएगी, लेकिन कौन जमीन लिया जाए? कोई जमीन, एक प्लॉट है, किसी बंदे ने वो बेच दी हुई है, न वो मालिक है उसका, न उससे कोई लेना देना है, सरकार को, तहसीलदार को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे से मतलब है, पैसे दिए सारे काम हो गया। अब बोलोगे कि भाई भारत में ऐसा नहीं होता, तो जाके देख लो रामलाल बनाम उत्तर प्रदेश के कांड में क्या हो गया, एक ही प्रॉपर्टी को उन्होंने दो बार तीन बार बेच दिया। नेट पे भी उपलब्ध होती है जानकारी, लेकिन अब हर एक प्रॉपर्टी उपलब्ध नहीं होती है। यदि आप जमीन खरीदने जा रहे हो तो एक बात याद रखो, ऑब्वियसली आप दलाल के पास जाओगे, दलाल को बोलोगे कि भाई ये जमीन लेने वाले हैं, हमको रिक्वायर्ड करो, एक्वायर्ड करके बताओ कि किसका है क्या है। ठीक है, आप दलाल के पास जा रहे हो तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, और जिसके नाम की ये प्रॉपर्टी है उसके पिता का और उसके पिता का, वो आप 2-3 रुपये 1000 रुपये जो भी है खर्च करो, आपको मिल जाएगा। वास्तव में वो जमीन किसका था, उसके पिता का नाम क्या है? मान लेते हैं कि मैंने 1 बीघा जमीन यहाँ ली है इस जगह पे, और मेरे पिताजी, मैंने जिससे खरीदी हो जमीन, उसके पिताजी कहाँ का जमीन है, क्या यहाँ का सही में बसिंदा है? जब यहाँ का बसिंदा नहीं तो जमीन आई कहाँ से? दूसरी प्रॉब्लम है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो हम लोग घर में पैसा रखते हैं 5 लाख 7 लाख। अब खरीदते समय ये सिचुएशन होती है कि 5 लाख हम तो कैश दे दिए, खरीदने वाले ने ओके कर दिया, लेकिन फिर आप कहाँ से हिसाब दोगे 5 लाख आपने कहाँ से लाया? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो गवर्नमेंट रेट होती है और हमारी जो रेट होती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि यदि गवर्नमेंट रेट कम होती है और सामने वाले बंदा ने किसी ज़मीन की ज़्यादा रेट लगा रखी है, तो हम लोग गवर्नमेंट रेट पे करते हैं। इसके नुकसान ये है कि यदि भविष्य में जाके अकाल आए, सुखाड़ आए, घर आपका सरकार द्वारा वो ज़मीन को ले लिया जाए, तो फिर आपको जो रेट मिलेगा, सुन रहे हैं ना, हाँ, आपको जो रेट मिलेगा वो उस रेट से ही मिलेगा जिस रेट के आपने टैक्स पे किए हैं। अब आगे का पॉइंट हम बता रहे हैं, जिस जमीन में, जो जमीन आप ले रहे हैं उस प्लॉट पे आप बार बार जाइए, 2-3 हरकत कीजिए जिससे लोगों के नजर में आए कि आपने इस जमीन पे कुछ करना है। उसकी पड़ोसी से जानकारी लीजिए कि भाई ये जमीन किसका है। भूलेख.com है जिसमें जमीन के बारे में दिया, लेकिन बहुत बंदे के बारे में नहीं दिया है, क्योंकि बहुत लोग उसको दाखिल खारिज नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि आप कभी भी जमीन खरीदें तो चेक बाय चेक में ही उसे कर या पैसे अदा करें जिस भी पक्ष को आप दे रहे हैं। आप पूरी तरह तफ्तीश कर लें कि ये जो सामने जो बंदा बैठा है ये वास्तव में वही है, वही ओनर है, वही सब कुछ है। जमीन रजिस्ट्री करने का प्रोसेस बहुत आसान है, 2 गवाह चाहिए आपको, 2 फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। मैं बस यही बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे भारत में स्पेशल इन क्षेत्रों में जहाँ पे ग्रामीण लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे जमीन खरीदने से पहले आप 500 बार विचार कर लें कि आपने कहाँ जमीन खरीदा है और क्या कौन सी जमीन ले रहे हैं, क्योंकि भावना, जमीन खरीदते में भावना आ जाती है ना, सही गलत का होश नहीं रहता, कहावत में भी ना से काल बिना से बुद्धि। तो उस समय अपने ब्रेन को स्थिर करें और देखें कि वास्तव में कौन सी जमीन है। क्या होता है, गांव घरों में बाप बेटा का झगड़ा होता है, बेटा जाके जमीन बेच देता है, बाप के नाम पे भी जमीन नहीं होता, उसके दादा के नाम पे जमीन होता है, फिर वो जमीन आपका जेल का घर हो जाता है। आप यार जमीन ले रहे हो कि घर में मारदंगा का जुगाड़ बना रहे हो, बताओ मुझे जवाब दो। आप सबसे पहले यदि आप जमीन ले रहे हैं तो रजिस्ट्रार में जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद स्टाम्प पेपर तो आपको जो लगेगा, जैसे कि आपने 10 लाख रुपए की जमीन खरीदी,
तो 2 या 4% जो होगा वो तो आपको देना ही होगा। उसके बाद आपको कुछ समय और लगेंगे, 1 महीना या 15 दिन, सब राज्य की अलग अलग व्यवस्था होती है। उसके बाद आपको रियल सेल डीड, मतलब कि ये आपके नाम की प्रॉपर्टी हो रखी है, ये आपकी हो गई, उसके बाद होगा इस पे विचार। दोस्तों मैंने छोटी सी कोशिश की है, सारे वीडियो में बहुत कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मुझे लगता है कि आप यहाँ फंस सकते हो, दलाल के पास जाओ, पर वो दलाल है इस बात को भूलो मत। आप दोस्ती करो, पर याद रखो, नमस्कार, जय हिंद।